क्या पेरेंटल लीव अनपेड होता है? अरे यार, मेरी फ्रेंड ने तो बताया था कि उसमें उसको सैलरी मिल रही है। कितनी सैलरी मिलती है? अच्छा, मैटरनिटी लीव एंड पेरेंटल लीव डिफरेंट होता है। ये सिर्फ मॉम ले सकती है या डैड भी ले सकते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स भी ले सकते हैं? इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, पेरेंटल लीव मॉम डैड कोई भी ले सकते हैं। अगर मॉम डैड अवेलेबल नहीं है या फिर है ना किसी सिचुएशन में ऐसा है कि मॉम डैड है ही नहीं, तो ग्रैंड पेरेंट्स भी ले सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो रिलेटिव्स भी ले सकते हैं। बेसिकली पेरेंटल लीव को एल्डर्न साइट बोलते हैं जर्मन में। तो इसमें क्या है ना कि अनपेड होता है ये। यस, अनपेड होता है। इसमें आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी नहीं देता है, बट गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट्स की तरफ से आपको अलाउंसेस मिलते हैं। उसको यहाँ पे एल्टर्न गेल बोलते हैं। बट इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। सो जो लोग भी यहाँ पे वर्किंग हैं वो सब एलिजिबल हैं। यस, आप एलिजिबल हैं एल्टर्न साइट के लिए, आप ले सकते हैं। बट जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं या फिर जो लोग स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं है। यस, ऑफ कोर्स वो एलिजिबल नहीं है। बट अगर आप हाउसवाइफ भी हो तब भी आप एलिजिबल हो। लेकिन आपको कितना अलाउंसेस मिलेगा, एल्टर्न गेल कितना मिलेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे हम। देखो, ये फैक्ट है कि एल्टर्न साइट जो होता है वो अनपेड है, बट इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो अलाउंसेस मिलेंगे उसमें भी रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जितनी सैलरी थी उतना आपको मिलेगा। बट ओवरऑल क्या होता है ना, जो भी आपकी लास्ट सैलरी 12 मंथ की सैलरी थी उसका जो एवरेज होता है वो आपको मिलेगा, उसका 60% मिलेगा, अप टू 60%। ऐसा भी नहीं है कि 100 है ना मैंने बोल दिया तो 60% तो 60% ही मिलेगा, अप टू 60%। और वो मैक्सिमम कितना होगा, वो मैक्सिमम 1800 यूरो होगा। मीन्स कि ऐसा नहीं है 10,000 यूरो आपका पर मंथ सैलरी है तो 60% उसका है ना ऐसे करके आपको 6,000 मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम 1800 ही मिलेगा। बट यू नो, कई बार क्या होता है 1800 में सर्वाइव करना मुश्किल होता है, तो लोग है ना बहुत टाइम के लिए नहीं लेते हैं एल्टर्न साइट, या फिर है ना जिसकी कम सैलरी होती है दोनों पेरेंट्स में से वो लेते हैं एल्टर्न साइट। एंड नेक्स्ट क्या आता है ना कि एल्टर्न साइट आप कितने टाइम तक ले सकते हो। देखो, ऑन एन एवरेज क्या होता है, 3 ईयर्स तक आप ले सकते हो। ठीक है, इनिशियल बेबी का 3rd बर्थडे तक आप ले सकते हो। कुछ कंडीशन में बेबी की तबीयत ख़राब है उस, या फिर उसको है ना घर पे ही रुकना है एंड उसकी ऐसी हेल्थ है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप 8th बर्थडे तक भी ले सकते हो। लेकिन इस केस में क्या है कि डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर अप्रूव किया लीव या नहीं किया। अगर वो नहीं करता है तब नहीं ले सकते हो आप, बट 3 ईयर्स तक आप ले सकते हो। एंड अगर आप 1 ईयर तक लेते हो तब है ना 60% आपकी सैलरी की अप टू 1800 मिलेगा, बट अगर आप एक्सटेंड करते हो तो 45% मिलेगा। फिर उसका भी रूल है 1300 1500 ऐसे करके मिलेगा। सो वो आपको चेक करना, अपने एम्प्लॉयर से चेक करना है एंड अपना रिसर्च भी करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो ब्लाइंडली है ना, मैं आज के डेट में बता रही हूँ जो मेरा रिसर्च है। चीज़ें है ना डे बाय डे चेंज भी होती है, ठीक है, तो आपको अपना भी रिसर्च करना। मैंने क्लू दे दिया कि है ना कैसे क्या होता है, कैसे कितना वर्क करता है, ऑन एन एवरेज यही होता है, बट कई बार चीज़ें अपडेट भी होती है तो आपको भी अपना रिसर्च करना है। देखो, अगर आप एम्प्लॉयर हो तब आप एल्टर्न साइट के लिए एलिजिबल नहीं हो। मीन्स कि है ना मेरा टाइटल एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉई मैं नहीं हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, या फिर है ना मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, या फिर है ना मैं मतलब ऐसा कुछ है कि जिसमें से ना मतलब मेरा काम उतना है ही नहीं, तो फिर मुझे, मैं एल्टर्न साइट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। एंड अगर आप हाउसवाइफ्स हो तो आपको 300 यूरो पर मंथ मिलेगा, ठीक है, बेबी के बर्थडे के 1st बर्थडे तक आपको मिलेगा, ठीक है, 12 मंथ मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि बेबी बॉर्न इंडिया में हुआ और है ना 6 मंथ के बाद आप यहाँ पे आते हो एंड देन आपको 12 ईयर्स का इकट्ठे मिलेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एल्टर्न गर्ल जो है वो आपको मिलेगा जब यहाँ पे बर्थ रजिस्टर्ड होगा उस टाइम से। बर्थ आप रजिस्टर्ड करते हो बर्लिन में या फिर हम्बर्ग में या जर्मनी में कहीं पे भी, देन तब से स्टार्ट हो जाता है, तब से अलाउंसेस आपको मिलेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना है कि बेबी का डिलीवरी जो है आप कहाँ प्लान कर रहे हो, कैसे प्लान कर रहे हो, कितने प्रोज एंड कॉन्स हैं इंडिया में या जर्मनी में, ये सारी चीज़ें उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं अगर आप बेबी डिलीवरी का सोच रहे हो इंडिया में या फिर जर्मनी में।
अगेन ये आपको पैसे मिल रहे हैं, स्टेट्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहा है, बट अगेन आपको डिक्लेयर करना है टैक्स में, चाहे वो आपको 1 यूरो ही कहीं से क्यों ना आए, आपको डिक्लेयर करना है तो करना है। और अगर आप क्रॉस करते हो, है ना, जो भी मिनिमम टैक्स का यहाँ पे क्राइटेरिया है, तो आपको टैक्स भी उसके ऊपर पे करना है, ऐसा नहीं है कि वो टैक्सेबल नहीं है। अब ये आता है कि अप टू 3 इयर्स का हमारा पेरेंटल लीव है, बट उसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? जैसे कि हमने सोचा कि 1 ईयर का अभी ले लेते हैं, फिर हम 6 मंथ जॉब करेंगे, वापस हम इंडिया जाएंगे 3-4 मंथ्स के लिए, तब हम ले लेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, बट उसके लिए फर्स्ट टाइम जो है वो तो आपका अप्रूव हो जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से, बिकॉज आप प्रेग्नेंट हो, आपका बेबी आने वाला है। बट सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम के लिए कई बार, है ना, एम्प्लॉयर डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर देते हैं, कई बार उनको लगता है कि ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ले लो, तो ये टोटली डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे। सो आप इसके लिए, है ना, स्टेट्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो या फिर किसी और को लेटर नहीं लिख सकते, ये टोटली डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर क्या चाहता है, ठीक है, उसके साथ आपका कैसा ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशन है, कैसी आपके पोजीशन की नीड है, आपका काम क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। जनरल आप 2-3 टाइम्स में ब्रेक कर सकते हो। फिर ये है कि 1 ईयर, है ना, मॉम ने ले लिया, फिर आप चाहो तो 2-3 मंथ्स डैड भी ले सकते हैं, ऐसे करके भी आप डिवाइड भी कर सकते हो। अगेन इसके लिए भी एम्प्लॉयर का मर्जी होना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप सोच रहे हो कि 3 इयर्स का लेना है पेरेंटल लीव या फिर, है ना, कुछ ऐसा मैक्सिमम टाइम के लिए, तो आपको 13 वीक्स पहले बताना होता है अपने एम्प्लॉयर को, बिकॉज उनको इतने टाइम के लिए तो रिप्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपका जो काम है वो कोई और करने के लिए उनको चाहिए। सो इस चीज़ के लिए उनको 13 वीक्स पहले आप इन्फॉर्म करोगे, एंड देन वो थोड़ा टाइम लगाएंगे, अप्रूव करेंगे, जो पेपर वर्क होता है वो स्टार्ट होता है। अब अगेन आता है कि हम प्रोबेशन पीरियड में हैं, तो हम अल्टरनेट साइट ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ऑफ कोर्स आप ले सकते हो, आपका ये लीगल राइट है। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमें कोई फायर कर सकता है या नहीं, तो लीगली आपको फायर नहीं कर सकता है कोई, जब तक कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगा तब तो आपकी जॉब भी नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स आपको फायर किया जा सकता है, उस केस में फायर नहीं, ले ऑफ किया जा सकता है। और नेक्स्ट आता है कि ना आप जॉब क्विट कर सकते हो या नहीं। मान लो कि अल्टरनेट साइट में हैं, हमने 10 मंथ्स का लिया, 1 ईयर का लिया, उस बीच में हमें कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और हम सोच रहे हैं कि अब जब ज्वाइन करेंगे तो हम वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, आपका ये राइट है। बट उस टाइम पे भी वही अप्लीकेबल होगा जो आपका 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का यहाँ पे नोटिस पीरियड जो होता है इन जनरल, वही अप्लीकेबल होगा। आप बताओगे उनको, फिर 2-3 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, ऑफ कोर्स उसमें आप काम नहीं करोगे, बट आपको नोटिस करना है, नोटिफाई करना है। एल्टर्न साइट पे हैं और हमारी सैलरी जो है रिड्यूस हो चुकी है। पहले हमारी सैलरी इन हैंड हमें 6000 आ रहा था, अभी तो मैक्सिमम 1800 ही आ रहा है। बट ऐसा है कि हमें सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है या फिर ऐसा है कि हम कर पा रहे हैं काम, तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, एल्टर्न साइट पे हो आप 32 आवर्स इन ए वीक काम कर सकते हो। ऑन एन एवरेज क्या है, सबने 1 ईयर का लिया हुआ है, और 1 ईयर में मैक्सिमम बच्चे रेज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसके बाद, है ना, उनका प्री स्कूल स्टार्ट हो जाता है, डे केयर या कीटा जो भी है सब स्टार्ट हो जाता है। बट अगेन आप 1 ईयर के लिए जा रहे हो या फिर 2 इयर्स या 3 इयर्स के लिए जा रहे हो, बट ऑन एन एवरेज क्या है ना, आप चाहे जितना भी लो एल्टर्न साइट, 2 मंथ्स का लो, 3 मंथ्स का लो, लेकिन प्रायर उनको 7 वीक्स बिफोर बताना होता है, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयर को आप 7 वीक्स पहले बताओगे, फिर, है ना, आप जो भी उनका अंतराग है, कैसे क्या करना है, वो आप एप्लीकेशन दोगे, उनको बताओगे, एंड देन फिर वो उनका उनके तरफ से कन्फर्मेशन लेटर आना चाहिए, वो लेटर आएगा तभी आप, है ना, एल्टर्न गिल्ड के लिए अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने इन्फॉर्म कर दिया, उन्होंने वर्बली बोल दिया कि हाँ ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया और बस हो गया, ऐसे नहीं होता है, सारा कुछ रिटर्न होना चाहिए बाय पोस्ट। यहाँ पे आपको तो पता ही होगा पेपर वर्क यहाँ पे कितना होता है, सब कुछ बाय पोस्ट ही होता है। सो यस, वो लेटर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका आपकी HR आपको नहीं भेज रही है या नहीं भेज रहा है, तो फिर आप, है ना, उनको रिमाइंड कराओ कि आपको वो लेटर चाहिए, बिकॉज तभी आप एल्टर्न गिल्ड के लिए अप्लाई कर पाओगे। हमेशा माइंड में रखना कि यहाँ जॉब प्रोटेक्शन होता है, सो आपकी जॉब नहीं जाएगी। जो ऐसे रूल अप्लाई होता है, मींस कि, है ना, नोटिस पीरियड का या कुछ भी, तो वैसे ही होगा 3 मंथ का, मतलब आपको एम्प्लॉयर भी इन्फॉर्म करेगा या फिर आप भी उनको इन्फॉर्म करोगे, तो इन जनरल जो प्रोसेस होता है वही होता है। और यहाँ बाय लॉ, मतलब लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा, है ना, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी, एंड देन सपोर्ट भी, इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, एंड देन फिनेंशियल सपोर्ट तो गवर्नमेंट आपको देती ही देती है। सो
ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है आपके लिए। बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अब आपका बेबी हुआ 3-4 मंथ्स में, आपने डे केयर भेजना स्टार्ट कर दिया और आप सोच रहे हो कि आपको है ना, आप एल्टर्न साइट पे हो और आपको फिनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, एल्टर्न गिल्ड भी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बेबी घर पे स्टे कर रहा है, बेबी को आपकी ज़रूरत है, उसके लिए सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है। एल्टर्न साइट मिलता है कि आप घर पे रहो, बच्चे का केयर करो, बच्चे के साथ रहो, उस चीज़ के लिए मिलता है। तो मॉम या डैड जो भी हैं, तो बच्चे का घर पे रुकना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उसको डे केयर भेज दिया और हम यहाँ से बेनिफिट्स ले रहे हैं, ऐसे काम नहीं होता। एंड आप ये सोच रहे हो कि एम्प्लॉयर ने कंफर्म कर दिया, मतलब बहुत ही इजी प्रोसेस होता है कि है ना, वो हमने मेल किया, इन्फॉर्म किया उनको और उन्होंने उस पर रिवर्ट कर दिया, तो इतना इजी नहीं होता है। उनको भी कंफर्म करना होता है, कंफर्मेशन उनका आता है यहाँ पे, अथॉरिटी से कंफर्म करना होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी से। तो ऐसा मत सोचो कि है ना बहुत इजी प्रोसेस है, आपने मेल कर दिया, उन्होंने मेल कर दिया और हो गया। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है, मतलब आप प्रेग्नेंट हो ये गवर्नमेंट को भी पता है, जब आपको मोटर पास मिलता है तब से सबको यहाँ पे पता होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कनेक्टेड होता है, बाय लॉ होता है। तो घबराना नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम तो लगेगा और बहुत सारे पेपर वर्क करना है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। सो आई होप मैंने सारे कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया है, पेरेंटल लीव से रिलेटेड, एल्टर्न साइट से रिलेटेड। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर करके बताइए, मैं ट्राई करूँगी आंसर करने का। और अगर आपको इससे अलग कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट में वो भी मुझे बताओ, मैं अपडेट करना चाहूँगी खुद को। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।